फिल्म डायरेक्टर साजिद खान को लेकर आए दिन चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जानी मानी भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने फिल्म मेकर के घिनौने कारनामों की पोल खोली है। रानी चटर्जी का कहना है कि जब साजिद का असली चेहरा सामने आया तो बहुत तसल्ली मिली थी, लेकिन बिग बॉस में उन्हें देखकर उनका खून खौलता है। एक नामी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में रानी चटर्जी ने बताया कि साजिद खान ने उन्हें भी हैरेस किया था। उन्होंने कहा कि फिल्म हिम्मत वाला के दौरान साजिद खान की टीम के साथ मैंने संपर्क किया था, जिसके बाद साजिद का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं। फोन पर बात करते हुए उन्होंने मुझे अपने घर आकर मिलने के लिए बोला, साथ ही कहा कि ये फॉर्मल मीटिंग है तो किसी मैनेजर या पीआर को साथ मत लेकर आना। रानी आगे कहती हैं कि बॉलीवुड में इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। जब मैं जुहू स्थित उनके घर पर पहुंची तो वो अकेले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट कर रहा हूं, इस गाने में तुम्हें छोटा लहंगा पहनना पड़ेगा। तभी उन्होंने मुझे अपने पैर दिखाने के लिए कहा। मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी, मुझे लगा ये शायद ऐसे ही करते होंगे, तो मैंने स्कर्ट उठाकर अपने पैर घुटने तक दिखाए। रानी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मैं काफी डर गई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझसे शर्माओ मत, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, शारीरिक संबंध कितनी बार बनाती हो। ये सब सुनने के बाद मैं असहज हो गई। मैंने उनसे कह दिया कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, तभी वो चौंक कर डर गए। उन्हें लगा था कि मैं उनकी बातों का जवाब दूंगी, जिसके बाद मैं तुरंत वहां से चली गई। उन्होंने मुझे गंदे तरीके से छूने की भी कोशिश की थी। रानी ने बताया कि जब उनके कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे गाने के बारे में पूछा तो उन्होंने साजिद खान की हरकतों के बारे में बताया, तभी उन्होंने कहा था कि तुमने फोन क्यों नहीं किया। रानी कहती है कि मैंने उनसे कहा था मुझे भोजपुरी एक्ट्रेस समझकर सीरियसली नहीं लिया जाएगा, वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं कि उनके सामने मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। अब बिग बॉस में उनको देख रही हूं तो लगता है कि मुझे आके आकर ये बात कहनी चाहिए। वो कहती हैं कि बिग बॉस देखकर मुझे गुस्सा आता है, मीटू के दौरान उनका असली चेहरा सबके सामने आया था तो हम जैसे कई लोगों को तसल्ली हुई थी कि चलो कोई तो है जिसमें हिम्मत है। लड़कियों को आवाज उठाते देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। बिग बॉस में उन्हें देखकर मेरा खून खौलता है, समझ नहीं आता कि बिग बॉस उनकी इमेज को क्लीन करने में क्यों लगे हुए हैं। साजिद खान का इन सब बातों पर क्या रिएक्शन होगा वो तो उनके शो से बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।